अडानी पे सवाल करेंगे, वो मणिपुर पर सवाल पूछेंगे, अब वो मेवात पर भी सवाल पूछेंगे। लगातार हिंसा देश में 3 मई से प्रारंभ हुई और अब तक हिंसा हो रही है, वो हिंसा क्यों नहीं रोकी गई? हम राहुल गांधी में देखते हैं, वो सबके सामने होगा कि किस प्रकार, देखिए राहुल गांधी अब अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत उत्साह की है, बहुत बड़ी। पुर में आग लगी, अब मेवात में आग लग गई, नू जल रहा है, बरेली में हिंसा होने ही वाली थी, वो तो हम धन्यवाद करेंगे IPS महोदय का, चौधरी साहब का, जिन्होंने वो हिंसा बचा ली और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। आप इससे अंदाजा लगा लो साहब कि बीजेपी के लोग, अधिकारी लोग कैसे हैं, ये अधिकारियों पे दबाव बना के हिंसा करवा रहे हैं। अगर हम मेवात घटना, नू घटना की बात करें तो वहाँ सिर्फ GRP के होमगार्ड के जवान थे वहाँ। क्या होमगार्ड के जवान उस भीड़ पे काबू कर लेंगे? CID का इनपुट इनको 5 दिन पहले मिल गया था कि हिंसा की घटना हो सकती है, उसके बावजूद जो है क्या बोलते हैं उसको, भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पे वायरल कराए गए, मोनू मानेसर जैसे जो लोग हैं इनको गिरफ्तारियां बचाई गई, राजस्थान पुलिस इसको गिरफ्तार करने आ रही थी, हरियाणा सरकार ने इसको बचा के रखा, चाहे नूपुर शर्मा हो, इस तरह के जो लोग हैं इनको BJP शरण दे रही है। इस देश में एक नफरत की राजनीति शुरू की गई थी और एक साजिश के तहत जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है ये सबके सामने है कि किस तरीके से हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य कभी छुप नहीं सकता, वो सबके सामने है। और राहुल गांधी जी फिर से संसद में होंगे और वो सवाल करेंगे, अडानी पे सवाल करेंगे, वो मणिपुर पर सवाल पूछेंगे, अब वो मेवात पर भी सवाल पूछेंगे कि लगातार हिंसा देश में 3 मई से प्रारंभ हुई और अब तक हिंसा हो रही है, वो हिंसा क्यों नहीं रोकी गई? देखिए मैं इसको इस तरीके से भी देखती हूँ कि लगातार देखिए जानबूझकर राहुल गांधी जी जिस तरीके से अडानी पर सवाल पूछ रहे थे संसद में और सबको दिख रहा था कि सवालों के घेरे में सरकार आ रही थी और इसी से परेशान होकर उन्होंने इस केस में राहुल गांधी जी को फंसाया, उनका घर छीन लिया गया और अब हमें लगता है कि वो संसद में वापस दोबारा शेर की तरह धाड़ेंगे और आएंगे और सवाल पूछेंगे और माननीय देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि वो मणिपुर पे लगातार चुप रहे हैं, खामोश रहे हैं, अब उनसे सवाल किया जाएगा कि आप मणिपुर पर आकर संसद में सवाल करें। और जो विपक्षियों का गठबंधन बना और उसका नाम इंडिया दिया गया तो उसमें जो सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार सवाल उठाया जाता था कि इंडिया का दुल्हा कौन होगा जी, तो क्या लगता है उस वक्त तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द थी, लेकिन अब क्या लगता है कि राहुल गांधी ही उम्मीदवार होंगे? बिल्कुल ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब देश के प्रधानमंत्री जो कि हम राहुल गांधी में देखते हैं, वो सबके सामने होगा कि किस प्रकार, देखिए राहुल गांधी अब अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत उत्साह की है, बहुत बड़ी। देखिए ये इस तरीके से है कि ये निर्णय था, जिस तरीके से संस्थाओं पर लगातार कब्जा किया जा रहा था, सारी संस्थाओं पर लगातार षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार कब्जा कर रही है, हम और राहुल गांधी जी बार बार कहते भी आए हैं, इस बात को मुद्दे को उठाया भी है कि सारी संस्थाओं पर कब्जा किया और ज़्यादातर संस्थाएं जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच भी दी गई। और ये जो जिस तरीके से आपने सवाल किया, इसका जवाब मैं यही देना चाहती हूँ कि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से ये फैसला आया है तो हर एक युवा के अंदर और हर एक व्यक्ति के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ सम्मान जो है वो और बढ़ गया है। ऐसा सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देखेंगे सबको बधाई है कि आज तानाशाह जो है वो हार गए और संविधान की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, देश की जनता की आवाज़ की जीत हुई। और निश्चित तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है हाई कोर्ट को और सरकार को, तो वो कई मायने में संदेश है कि विपक्ष की आवाज़ को ना दबाया जाए। विपक्ष का काम होता है निरंतर जनता के जो समस्याएं हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पे राहुल जी ने हमेशा संसद में मुखर होकर सरकार से सवाल किए। और ये सरकार की तानाशाही है और सरकार की ये बुजदिली है कि सरकार इन सवालों के जवाब देने से बचती रही और उसी के एक साजिश के तहत राहुल जी की सदस्यता को रद्द करने की कोशिश की गई, उन्हें 2 साल की जो एक अधिकतम सजा होती है वो सजा देने की कोशिश की गई। एक पूरा षड्यंत्र रचा गया जिसमें पूरी मशीनरी शामिल रही, जिसमें जज भी शामिल रहे, जिसमें हम कहते हैं कि सरकार के लोग भी शामिल रहे। और इसमें कोई शक नहीं है कि सत्य की ही जीत होती है, चाहे झूठ कितना भी मजबूत हो जाए, चाहे अत्याचार करने वाले लोग कितने भी ताकतवर हो जाएं, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। और आज का जो फैसला है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और देश की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाले चुनाव के लिए। साहब मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार कहा है
की जो अधिकतम सजा थी वो है 2 साल की, और आज तक ये सजा किसी भी व्यक्ति को नहीं हुई। और दूसरी बार राहुल जी का अपराध क्या था, राहुल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और उनके जो तमाम मोदी मित्र हैं जो देश का पैसा लेके भाग गए, उनसे सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी के जो ये मित्र हैं जो देश की जनता की जो गाड़ी कमाई लेके विदेश में भाग गए, सवाल उनसे किया गया ना। अब इसमें OBC समाज कहाँ से आ गया, इसमें किस समाज की उन्होंने निंदा कर दी या किस समाज का अपमान कर दिया। तो एक दुर्भावना के तहत सरकार ने षड्यंत्र रचा था और ये सरकार के मुंह पे करारा तमाचा है, ये प्रजातंत्र की जीत है और ये तानाशाहों की हार है। लेकिन सर अभी भी क्लीन चिट नहीं मिली है। मिल जाएगी क्लीन चिट, तो मिल जाएगी। देखिए रोक लगा दी है, एक सीढ़ी आगे बढ़ गए। अब अगले फैसले में सुप्रीम कोर्ट जो है इस याचिका को भी रद्द करेगा और राहुल जी की सदस्यता को फिर से बहाल करेगा, और हमें उम्मीद है कि अगले सत्र में राहुल जी हमें फिर से शेरों की तरह संसद के अंदर दहाड़ते हुए मिलेंगे और जनता की आवाज को जो है संसद में बुलंद करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ऐसा लगता नहीं है कि क्लीन चिट मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 2 साल की अगर सजा होती है तभी सदस्यता रद्द होती है, 2 साल से कम की सजा होगी तो सदस्यता बहाल हो जाएगी अपने आप में। तो ये एक इंडिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का कि 2 साल, और मैं आपको बताऊं 1 साल तक की सजा होगी तो उसमें जमानत भी मिल जाती है, 1 साल से ज़्यादा या 3 साल से कम की सजा होती तो उसमें जमानत नहीं मिलती, और 2 साल की सजा या 2 साल से ज़्यादा की सजा उसमें है आपकी सदस्यता रद्द होने का, जो एक प्रावधान संविधान के तहत। ठीक है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि अधिकतम सजा नहीं होगी, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि अगर सजा होगी तो कितनी होगी, और तीसरी बात ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सजा क्यों होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर अभी जिरह होगी कि आखिर सजा क्यों होगी। जब कोई अपराध किया है तभी तो सजा होगी। अब इस पे आगे भी चर्चा होगी अगली सुनवाई में जो है सुप्रीम कोर्ट में, वो स्पष्ट हो जाएगा, और मैं पूरा हमें विश्वास है न्यायपालिका पे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा वो देश की जनता के हक में फैसला लेगा, वो विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने के लिए फैसला लेगा। पिछली साल राहुल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क रखा है और कभी भी आग लग सकती है, हमने देख लिया 3 महीने पहले मणिपुर में आग लगी, अब मेवात में आग लग गई, नू जल रहा है, बरेली में हिंसा होने ही वाली थी, वो तो हम धन्यवाद करेंगे IPS महोदय का, चौधरी साहब का, जिन्होंने वो हिंसा बचा ली और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो साहब कि BJP के लोग, सत्ताधारी लोग कैसे हैं, ये अधिकारियों पे दबाव बना के हिंसा करवा रहे हैं। अगर हम मेवात घटना नू घटना की बात करें तो वहाँ सिर्फ GRP के वो सॉरी होमगार्ड के जवान थे वहाँ, क्या होमगार्ड के जवान उस वहाँ उस भीड़ पे काबू कर लेंगे? CID का इनपुट इनको 5 दिन पहले मिल गया था कि हिंसा की घटना हो सकती है, उसके बावजूद जो है क्या बोलते हैं उसको कि भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पे वायरल कराए गए, मोनू मानेसर जैसे जो लोग हैं इनको गिरफ्तारियां बचाई गई, राजस्थान पुलिस इसको गिरफ्तार करने आ रही थी, हरियाणा सरकार ने इसको बचा के रखा, चाहे नूपुर शर्मा हो, इस तरह के जो लोग हैं इनको BJP शरण दे रही है, और जनता अब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गई है, क्योंकि साहब जो काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती, झूठ और फरेब जो है एक बार आप जनता के सामने पेश कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, बार बार उसी तरह का झूठ नहीं चलेगा। बार बार जो आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे हिंसा भड़का रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता मूर्ख है? जनता इन चीज़ों को समझ रही है साहब, और इन जनता भी इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देगी। 2024 का चुनाव आने वाला है, इनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। सतपाल मलिक साहब कह ही चुके हैं कि राम मंदिर पे भी बम गिरवा सकते हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ऐसा अंदेशा है कि ये सरकार कुछ बड़ा करवा सकती है? निश्चित तौर पे हो ही रहा है, नू की घटना कोई छोटी घटना नहीं है, मेवात की जो घटना है बड़ी घटना है, सैकड़ों लोग इसमें आहत हुए हैं, हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जली है इसमें, मणिपुर आप देख ही रहे हैं तबाह हो चुका है पूरी तरीके से, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग किसी भी हद तक गिरेंगे, ये लोग सत्ता के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं, कहीं भी दंगे करवा सकते हैं,
सकते हैं, कहीं भी षड्यंत्र रच सकते हैं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता से संदेश है कि साहब इस नफरत की जो सांप्रदायिकता है इसके जाल में ना फंसें, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए बोले कि साहब अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये हिंदू मुस्लिम करने से किसी का पेट नहीं भरेगा। तो साहब डबल इंजन की सरकार है, मानते हो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी है, तो शासन प्रशासन सत्ता सब इनके हाथ में है, और फिर भी अगर दंगे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें साजिश जो है वो बीजेपी की है, सत्ता के इसमें शामिल है। लेकिन खट्टर तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो आए गिरफ्तार करें, हम उनकी मदद करेंगे। तो भैया उन्होंने तो पहले रोका था, खट्टर साहब को तो जानकारी दुरुस्त करने की ज़रूरत है ना। जब हम तो गिरफ्तार करने आई थी हमारी पुलिस, तब इन्होंने ही तो उसको शरण दे रखी थी, उसको अंडरग्राउंड करवा दिया, उसके लिए लोग खड़े कर दिए कि साहब इसको नहीं आप गिरफ्तार कर सकते हो, जबकि वो हत्या का आरोपी है, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और खट्टर साहब अगर इतने कानून के वो है पालक है तो वो खुद क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे, वो उन्हें किस बात का इंतजार है, वो किस सिग्नल का इंतजार कर तो रहे हैं? कह रहे हैं कि मोनू उस रैली में गया ही नहीं था, तो वो कैसे उसका वीडियो तो आया, वो नहीं गया, वीडियो तो आया कि साहब मैं आ रहा हूँ, उसी की वजह से तो हिंसा भड़की है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना खट्टर साहब। खट्टर साहब इस तरीके के जो रटे रटाए भाषण दे रहे हैं, उन भाषण से ये क्या साबित करना चाह रहे हैं साहब? ये सब मिले हुए लोग हैं, नीच और पापी लोग हैं, सत्ता के लालची लोग हैं, और जनता इनको सत्ता से